when I wanted to do my city registration thing, they gave me an appointment for the appointment. Okay, come to Thursday at 12 p.m. Then we'll decide when are we free. Oh boy. ये बहुत यूनिक सुना है मैंने. Okay. और गाइस वेलकम बैक वंस अगेन. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है. मैं इस वक्त क्लोन में खड़ा हूँ एंड आई एम हियर विद बंच ऑफ स्टूडेंट्स. दे आर स्टडिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और आज मैं इनको पूछने वाला हूँ कि इनका क्या रीज़न हो सकता है आगे आने वाले सालों में या इमीडिएटली भी, कि इनको हो सकता है देश छोड़ के जाना पड़े या ये चले जाएं खुद के अपने मर्जी से. तो इनसे जानते हैं अभी इनका क्या रीज़न हो सकता है कि ये जर्मनी छोड़ के कहीं और देश चले जाए, इंडिया ही चले जाए. सो टेल मी, व्हाट इज योर रीज़न और व्हाट कुड बी योर पोटेंशियल रीज़न? पीपल दे डोंट टॉक टू ईच अदर, लाइक यू नीड टू नो जर्मन लैंग्वेज. सो इन इंडिया इट्स वेरी इजी. Go to someone and everybody will talk to you like good. Here they need some reason to talk to you. In India it's all right. Okay. This can be one. तो social life तेरी इतनी अच्छी नहीं जा रही क्या? नहीं, starting थोड़ा tough है, but it's all right. सब okay, hello, guten tag शुरू करते हैं. Nice though. उतने में चल जा रहा है क्या कि नहीं? हाँ उतना. It's not enough. ठीक है. Even I would say that language is the biggest barrier in Germany, because without language you don't get preference for job or either in some other places, and like people even won't interact or entertain you in some other. तो लाइक तुम लोग जब आ रहे थे यार जर्मनी, आई एम श्योर तुमको ये पॉइंट पता होगा राइट, कि ये देश में जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है. और या तुम्हें ये नहीं पता था कि इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ है क्या? Definitely. पता तो होगा ना शायद. या आई थॉट कि थोड़ा B1 तक आ जाएगा, इट्स ऑल राइट. सो आई डिड माय A2, सोचा कि B1 कर लूंगा. बट यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो गए कि मेरे दोस्त है 2 साल से आए हुए, उनका B2 हो गया, वो फास्ट जर्मन बोलता है, बट स्टिल दे डोंट हैव स्टूडेंट वर्क. जॉब तो दूर का बात. फॉर मी इट्स द ब्यूरोक्रेसी, लाइक यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग. लाइक इन जनवरी आई हैड अ शोल्डर पेन, सो आई बुक्ड अ अपॉइंटमेंट फॉर द डॉक्टर फॉर एन ऑर्थो, एंड दैट वाज फॉर लाइक मार्च एंड. सो जैन में हुआ था ये कांड. या और मार्च में तुमको अपॉइंटमेंट दे रहे थे. या एंड इन फरवरी आई हैड टू विजिट इंडिया. सो व्हेन आई वेंट बैक आई डिड एवरीथिंग एंड आई केम बैक. ऐसा कुछ हुआ था क्या तुम्हारे साथ मेडिकल रिक्वायरमेंट में? बताओ आप भी बताओ. मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है. फर्स्ट डे ऑफ माय जॉब में था तो आई गॉट फ्रैक्चर इन माय थंब. तो मैं अगले दिन डॉक्टर के पास गया. उन्होंने बोला यहाँ पे अलाउड नहीं है आपका, क्योंकि आपने वर्क टाइम में आपके लगा हुआ है ये, आपको दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. फिर वहाँ से मैं 3 किलोमीटर दूर गया, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, मतलब वो 3 किलोमीटर दूर गया और भी बिठा के रखा उन्होंने. पहले देखा सारा अच्छा क्या, फिर देखा कि जर्मन आती है, मेरे को नहीं आती थी जर्मन, तो उन्होंने और 2 घंटे बिठा के रखा मुझे नॉनसेंस के लिए, बिना बात के लिए. एंड देन जाके उन्होंने ट्रीट किया. वो ट्रीट भी क्या किया, फ्रैक्चर चेक किया और एक प्लास्टर लगा दिया, बोल रहा ठीक हो जाएगा खुद ही. दैट्स ऑल. वहाँ पे कुछ नहीं, इनका कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, मैंने कहा कोई मेडिसिन ले नहीं सकते, पेन किलर, बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे थोड़ा इशू है, यहाँ पे मैंने देखा इस चीज का जर्मनी में. व्हाट वुड बी योर रीजन टू लीव अदरवाइज? मेरा जो मेन रीजन रहेगा, इट विल बी ऑलवेज लाइक मेरे दोस्तों ने जैसे बोला है, लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे ऑब्वियसली. सेकंड है जो मेरी फील्ड है, आई एम फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो यहाँ की फील्ड में मैंने जो बात करी है काफी कंपनी से, तो उनको चाहिए है प्रॉपर जर्मन. और जर्मन ऐसे भी नहीं, लाइक इफ आई नो जर्मन तब भी उनको ना नेटिव स्पीकर ज्यादा प्रेफर करते हैं वो. तो ये मेन प्रॉब्लम मैंने देखा है. इफ नो जर्मन टिल C1 ऑल्सो, तब भी वो नेटिव जर्मन को तुम्हें ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू इंडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो ये प्रॉब्लम है. तो करियर रीजन से तुम स्विच कर सकते हो देश को. एक चीज और है, मैं जब यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहा था, कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में था. ठीक है. मैंने जब अप्लाई किया उसके बाद वहां से मेल आया कि यू डोंट हैव सबमिटेड द जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट. सो आई वाज लाइक इट्स अ इंग्लिश टॉट कोर्स, सो व्हाई शुड आई? सो दे वर लाइक नो यू हैव टू. तो इंग्लिश टॉट कोर्स के लिए भी जर्मन मैंडेटरी थी उन यूनिवर्सिटीज में, और वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज थी. और उसके अलावा अभी जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज की, उनको फ्लुएंट चाहिए, वो मेरे पास है. बट उनका एक सेकेंडरी क्लॉज आ जाता है, इफ यू नो जर्मन दैट विल बी ग्रेट. तो वो उस बेसिस पे रिजेक्ट कर देते हैं. अच्छा. जस्ट टू ऐड ऑन इन दिस लैंग्वेज बैरियर, आई कॉन्टेक्टेड सम माई फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन द फाइनेंस इंडस्ट्रीज. दे हैव ओपनिंग ऑफ इंटर्नशिप, इवन दे डोंट वर्क इन इंग्लिश, दे डोंट टॉक इन जर्मन, बट दे स्टिल रिक्वायर जर्मन स्पीकिंग पीपल. मैंने पूछा, उन्होंने कहा हमने कभी बात ही नहीं की, मैं 2 साल से यहाँ वर्क कर रहा हूँ, मेरा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आया जर्मन में. बट मे बी टू इंक्रीज द इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, दे फोकस ऑन लैंग्वेज. और बताओ. मेरा वही रहेगा कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत स्लो है. लाइक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी आई हैव टू वेट फॉर लाइक 2 वीक्स ताकि मेरा ब्लॉक अकाउंट मेरे अकाउंट में आ जाए. तब तक मैं क्या करूँ? सो दैट वॉज माई ओनली. एंड ऑल्सो लाइक जर्मन लैंग्वेज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है. रिसेंटली जब भी मैं लिंक्डइन या एनी अदर जॉब इसमें देखता हूँ सीकिंग में, तो जर्मन लेवल बहुत
बहुत जरूरी है, आइदर B2 और C1, सो दैट इज अ मेन इशू आई एम फेसिंग राइट नाउ. अच्छा, मेरे लिए लाइक करियर वाइज, लाइक व्हेन आई केम हियर आई न्यू दैट जर्मन वुड बी नेसेसरी, सो आई हैड नो कंप्लेंट्स ऑन दैट. लाइक आई नो इट्स हार्ड बट इट इज व्हाट इट इज, बट फॉर ब्यूरोक्रेसी टर्म्स लाइक आई हैव सम कंप्लेंट्स. लाइक मेरा रेसिडेंस परमिट का लाइक माय वीजा, इनिशियल वीजा गॉट एक्सपायर्ड इन जनवरी एंड फॉर दैट आई अप्लाइड ऑन नवंबर एंड आई गॉट एन अपॉइंटमेंट नाउ इन अप्रैल. लाइक आई हैव सेंड देम न्यूमरस मेल्स, इवन विजिटेड द आउटस्टैंडर. नवंबर 2023 में, नवंबर में आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द रेसिडेंस परमिट. माय रेसिडेंस परमिट वुड हैव एक्सपायर्ड इन जनवरी 2024. ठीक है, सो आई डिडंट गेट एनी ईमेल्स व्हेन आई वेंट देयर, दे वेट टोल्ड मी टू वेट एंड नाउ आई गॉट एन अपॉइंटमेंट ऑन अप्रैल, सो इट्स लाइक 2 मंथ्स आफ्टर इट गॉट एक्सपायर्ड. सो दिस वाज द ओनली बैड एक्सपीरियंस आई हैड इन जर्मनी. एंड आई थिंक तेरे केस में अगर अर्जेंटली अगर घर जाना पड़ता इंडिया, that would have been a problem, right? To yes, again re-enter, yes. Probably. Because they were not even also giving the fiction visa. Correct. Auslander behavior ka issue hai ka idhar? Bahut zyada. I would like to add on one more point. When I wanted to do my anmeldung ka city registration thing, they gave me an appointment for the appointment. So I had to go to that second appointment for my city registration. So they were like, okay, come to Thursday, next Thursday at 12 PM. Then we'll decide when are we free. Oh my God. So it was like that. Ye bahut unique suna maine. Okay. And housing crisis. We are lucky, we found student dormitories, but prices are house is too expensive and they are increasing. In recently January 2024 they increased 11% electricity. Uska impact pada ki rent increase ho gaye. And like I've been here for like 8 months and I have changed like 4 accommodations. So it's like that. To har bar tere ko appointment pe appointment de rahe. Yeah. First accommodation was in Bonn, then I changed it to Hürth and then to Ebertplatz. Now I'm living in Ports. So it's like that. तो यार मतलब अगर ये सारे तुमने जो अभी इशू रेज करे हैं राइट, तो इसका मतलब तुम यहाँ रह क्यों रहे हो? मतलब फिर तुम्हारे मोटिवेशन क्या है? आई नो तुम अभी स्टडी फेज में हो, ठीक है, दैट मे बी लाइक लेट्स से तुम्हें बाइंड करके रखा है, होल्ड करके रखा है, बट व्हाट आफ्टर दैट? एक्चुअली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इजीली एक्सेसिबल है. अगर मैं इंडिया में अपने यूनिवर्सिटी से स्टडी अब्रॉड या स्टडी अब्रॉड इंटर्नशिप के लिए ऑप्ट करता तो मेरे को बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता, पर इधर इजी है टू बी वेरी ऑनेस्ट. इरेजमस की वजह से तो आप यूरोप एक्सेसिबल है, इंक्लूडिंग यूके. If I go for student exchange program, world is accessible for me. Okay. And also the curriculum here is like the world class. So as we know, like Europe is the center. So the curriculum we are learning in my first semester, that things that I learned, I can bet on that. कि मैं अगर 2 साल work experience लेके आता, even though मेरे पास 3+ years का work experience है, but जो मैंने वो सीखा ना, वो मैं 6 महीने में सीख लिया. Wow. I can say that, yes. For me, यहाँ strictness है, मेरे lifestyle में strictness आ रहा है. So मैं नई नई चीजें मैं adjust हो सक रहा हूँ, तो exposure है मेरे लिए एक type का. Strictness का meaning discipline. Discipline. अच्छा, okay, okay. Yeah. Strictness तो एकदम policing हो गई ना मतलब almost. ठीक है, तो आप discipline बन रहे हो ज़्यादा. हाँ, और expose हो रहा हूँ मैं पूरे atmosphere से. It's not that कि मेरे को सिर्फ जर्मनी में रहना है. I want to go some different countries, UK, ये वो भी देखना है. Right. So it's not for me कि मैं सिर्फ पढ़ने आया हूँ यहाँ पे. Okay. मेन रहने का मेरा प्लान है जर्मनी में इज द बिकॉज ऑफ द वीजा, क्योंकि आपका जो यहाँ का वीजा है सबसे स्ट्रॉन्ग वीजा है. तो अगर आपका इसका यहाँ का जर्मनी का वीजा है, शेंगेन वीजा है, तो आप कभी भी जा सकते हैं यूरोप में. तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज काफी बड़ी हो जाती है. बट अगर मैं इंडिया में देखूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे एक जॉब रोल के लिए 100 लोग खड़े होंगे उस चीज के लिए. बट यहाँ पे जर्मनी में ऐसा नहीं है. यहाँ पे स्किल लेबर्स काफी कम है. तो अगर इनको चाहिए जो लोग जो वर्क एक्सपीरियंस लेके आए हैं इंटरनेशनली, वो चाहिए. हाँ, आई थिंक लैंग्वेज का बैरियर आएगा, बट इफ यू गेट इनटू एन इंडस्ट्री उसके बाद आपकी ग्रोथ काफी अच्छी होगी कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज. इन डू यू थिंक सैलरी इज आल्सो good reason to stay back? Salary obviously, yeah. Huh? Obviously like you have खुश हो गए एकदम. हाँ बंदा, सी दैट एट हमारे फील्ड में सैलरी बहुत ज्यादा ही है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ना? नो नो, फाइनेंस. फाइनेंस में हाँ, उसमें तो बहुत ज्यादा है. बिकॉज इफ यू सी लाइक एनी अदर काइंड ऑफ फील्ड्स, लाइक मार्केटिंग में भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, बट फाइनेंस में बहुत ज्यादा स्कोप है इन जर्मनी. बिकॉज आफ्टर लंडन दिस इज द मेन हब, फ्रैंकफर्ट इज द मेन हब राइट नाउ इन यूरोप. सो वहाँ पे भी जॉब्स है, बट द ओनली मेन थिंग इज जर्मन. एक बार आपको जर्मन आ गई और आपने वो क्रैक कर लिया, देन एवरीथिंग इज इजी फॉर यू. फिर कितने कमा लोगे? लेट्स टॉक एंड दैट सम What's your reason? I came here just not to study, right? I was working before and I work with some colleagues from here in Germany. Achha. Here in NRW only, in NRW region. You've had exposure before. Yeah, yeah, okay. Yeah. So, and I always wanted to come here to work, but I didn't had any plan on studying. So I came here just to gain perspective, international perspective, which is quite important. Like in my field, it's very important. So that's the only reason I came here. Right, right.